أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So if you remember, we jumped from 229 to 231 and we left 230 because who can fill up the blank? Because why did we jump from 229 to 231 and left 230? Yes. किया था कि जो 229 है उसका सब्जेक्ट, उसका जो सेम टॉपिक है वो कंटिन्यूड है 231 में. Yes. तो उसको पहले करके बाद में वापस 230 पर आएंगे. That's good. So उसमें दो चीजों का हुक्म था, वहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, इम्साकुन और तसरीहुन. और वहाँ पर इम्साकुन और तसरीहुन इस्तेमाल हुए थे, यहाँ पर वामसिकु हुन्ना और सरीहु हुन्ना. दानिश, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज इम्साकुन एंड तसरीहुन एंड अम्सिकु सरीहु? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फोर वर्ड्स? जी सर, उसमें जो था वो इस्म के तौर पे इस्तेमाल हुए थे ये दोनों अल्फाज, और यहाँ पे ये दोनों अल्फाज दैट इज कॉल्ड मजदर है ना, वो मजदर था. जी जी, मजदर के तौर पे मजदर था. और यहाँ पर तो यहाँ पे ये उसमें तसरीहु अफ़वाल के तौर पे आए हैं यहाँ पे. ये किस किस्म का फेल है सर? अमर है ये. गुड गुड गुड. दोनों यहाँ पर दोनों अमर हैं. चलिए, इसमें यहाँ तो हम कर चुके थे. कैन यू जस्ट रिवाइज दिस पार्ट? वहाँ पर तसरीह के खवानिन थे, उसमें कुछ सवाल भी थे कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ के खवानीन, उसका जवाब भी मैं दिया था. और शायद एक बात रह गई थी कि उस कहीं भी हो, अगर जज कोई फैसला भी कर देता है तो तकवा, अल्लाह सुबहान व तआला का डर, अल्लाह के अहकाम की पासदारी, वो एक बहुत ही अहम तरीन चीज़ होती है जो मोमिन के कल्ब के अंदर होती है. अगर कोई ऐसा फैसला भी हो तो उसको लेना या नहीं लेना उसके बस में है.
चूंकि अल्लाह ने मना किया है तो जो कुछ दिया है उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, तो मदनी ज़िंदगी में भी लोग आते थे और बास मामलात में कुछ गवाह वगैरह भी ले आते थे और वो हक़ पे नहीं होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्विया करा लेते थे। तो आपने फरमाया कि मैं भी बशर हूँ और अगर तुम में से कोई चर्ब जबानी या झूठे गवाहों से कोई तस्विया मेरे से करा ले उसके फेवर में, हक के खिलाफ भी अगर मैं उसको फैसला दे दूँ तो भी वो गुनाहगार होगा, इसलिए कि उसका ज़मीर जानता है कि वो हक पे है या नहीं है। इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट हदीस, और उसमें अगर कोई जज फैसला भी देता है तो लेना या नहीं लेना ये उसके अपने तखबे पे दारोमदार, दुनिया में तो ले लेगा, जज का फैसला है मिल गया, लेकिन अल्लाह सुबहानहु ताला के पास वो गुनाहगार होगा। चलिए दानी जल्दी से थोड़ा सा एक स्लैश तक वो कीजिए ताकि वी हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट, ये आखिरी पार्ट उतना सही हम नहीं कर सके थे, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। जी सर, मैं सर इसको पढ़ लेता हूँ पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तलक्तुमुन निसाअ फबलग़्न أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف. بس یہاں تک ہی جی، اب سب اذا اور اگر طلقتم النساء، تم عورتوں کو طلاق دیتے، طلاق دو، اس کی بجائے ہم یہاں پر اگر ترجمے میں طلاق تم کو پہلے لے لیں ہے نا، تم تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، اب یہ نساء کے معنی مفسرین میں سے یا مترجمین میں سے سب ہی زوج کے معنوں میں لیتے ہیں، ویسے نساء کے معنی عورت کے ہیں لیکن یہاں پر طلاق صرف اپنی زوجہ کو دی جاتی ہے، تو اپنی بیویوں کو، اب کے ترجمے میں اور میں جو چیز کوشش کر رہا ہوں وہ دونوں کلاسوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے ایک فائدہ جو میری سمجھ میں آتا ہے، مجھے بھی ہوا ہے، وہ یہ کہ ہماری قرآنک وکیبلری بڑھے گی، قرآنک وکیبلری۔ اب چاہے کوئی ترجمہ آپ کے سامنے ہو، جب ہم اپنے طور پر ترجمہ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، اٹس گوئنگ راؤنڈ اباؤٹ، دانش آر یو فالوئنگ می، اس لیے ہمارا ترجمہ، چاہے کوئی ترجمہ ہم ریفر کریں اس کو وی ہیو ٹو ماڈیفائی اٹ جسٹ ٹو انکریز اوور، ایسا کرتے کرتے قرآن کے کئی الفاظ کے معنی ہمارے سمجھ میں بھی آئیں گے اور ہم اس کو یاد بھی رکھ سکیں گے۔ اف اٹ از اکارڈنگ ٹو اردو دین اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ وچ ورڈ مینس ازواج، وچ ورڈ مینس تم، وچ ورڈ مینس دا ورڈ طلاق، طلاقا دیٹ مینس اف یو ہے نا طلاق۔ تو اس میں اس بات کا سارے حضرات جو پڑھیں گے تھوڑا ضرور خیال رکھیے، اگر اس میں آپ کو فائدہ دکھ رہا ہے تو میری بات کو فالو کیجیے، اگر اس میں فائدہ نہیں دکھ رہا ہے تو یو کین فالو یور اون میتھڈ، لیکن کم از کم میرے پاس اس کو پڑھتے وقت اسی طرح سے کہ جب طلاق دو تم بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا آکورڈ ہو جاتا ہے، تو تم کو پہلے لے لیے، تم طلاق دو اپنی بیویوں کو۔ آر یو فالوئنگ دانش؟ جی سر بالکل۔ ڈو یو فیل اٹ دیٹ دس از مور امپریسیو اور ول گیو اے کلیئر سینس آف دا آیا، اور اس سے ہماری وکیبلری ضرور بڑھے گی، کہاں طلاق کا ذکر ہے، تم کیا ہے، جی ایسا کیا ہے،
ना, तो इसको जी ऐसे तल्लाक दो, तुम भी कह सकते हो या तुम तल्लाक दो, इसलिए कि आम तौर पे मुजाफ मुजाफिले में दोनों जबानों में बहुत फ़र्क है। दोनों जबानों यानी अरबी और उर्दू में, मुजाफ मुजाफिले अरबी में मुजाफिले हमेशा बाद में आता है, मुजाफ पहले आता है। किताबुल्लाह, किताबुल्लाही, किताबुल्लाह, ये किताब पहले आया, मुजाफ अल्लाह ही, मुजाफ मुजाफिले बाद में आया। लेकिन उर्दू के तर्जुमे में हमेशा मुजाफिले पहले आता है, और वो मुजाफ और मुजाफिले का जो कनेक्शन है वो का की के से या अपोस्ट्रोफ यू एस से होता है। तो उसको अगर उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह की किताब, मुजाफिले पहले आएगा, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल। यू फॉलोइंग मी? तो तल्लक तुम में मजाफ मुजाफिले या फेल फाइल है, फेल फाइल है तो उसमें जी भी, बिल्कुल, उसमें भी फर्क तुम जो होता है है। प्लूरल के लिए आ गया। बिल्कुल प्लूरल के सही लिए आ गया, और तुम ये भी तुम उर्दू में भी तुम कहते हैं, चाहे तो जी, इसको तल्लाक दो तुम करो या फिर तुम तल्लाक दो, तो यहाँ पर तुम मान तलाश समझने आने में कोई मुश्किल नहीं होगी अफवाज को। उसके जी बाद का टुकड़ा, एनीवन कैन वॉलंटियर, जो लोग बिल्कुल खामोश रहना चाहते हैं उनकी मर्जी, लेकिन जो थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दे कैन डू इट, दैट्स गुड फॉर देम। सीखते सीखते भी थोड़े दिन अगर नहीं भी करना चाहते हैं, आई डोंट माइंड इट। सो ये पूरा पार्ट हम कर चुके थे 229 में, फिर भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं। देन सर वी विल इसको डू दिस पार्ट। पढ़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फअमसिकुहुन्ना बार बार बिमारूफिन, पढ़िए नहीं, बस इसको एक बार हो गया ना, फबलगना जलौना, छोड़ दिया आप, इसको बोलिए पहले। तो रोक लो इनको, तो अब ये बस रोक इसमें अर्थ हो गया, यहाँ पर ये दो लफ्ज है। बिमारूफिन दस्तूर के मुताबिक, यानी कहाँ हैं आपके मायने, किधर जा रहे हैं, आयत किधर जाए, यही तो मुश्किल हो रही है। एक पुराने तरीके से रोक लो कहाँ है, पहले बलगा हुन्ना अजल हुन्ना कहाँ है। मैं जो चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप लॉन्ग रन में देखेंगे कि कुरान का वाकई में आप मज़ा उठा सकेंगे। मैं जो चीज़, आप रोक लो उनको, बहुत दूर की बात है ना। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ये बलगा के माने रोकने के नहीं है, उनको भी नहीं। उनको तो अब जब तक आप इसको तर्जुमे को इसके पैरेलल लेके नहीं आएंगे, उस वक्त तक जो है वो एक फॉर्मल चीज़ हो जाएगी कुरान का समझ। आप कोई भी तर्जुमा फॉलो कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उसको मॉडिफाई करिए कम से कम मेरी क्लास में। अगर हमेशा करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि यू विल इंक्रीज योर कुरानिक वोकेबलरी। ठीक है, तो रोक लो से इसका तर्जुमा होगा नहीं कहीं भी। फा, अब यहाँ से बोलिए फा जो है ये सिर्फ दोनों को मिला रहा है, तो लफ्तमुन्निसा, अब यहाँ पर अहकाम आ रहे हैं, यहाँ पर अहकाम आ रहे हैं। उससे पहले एक बात है कि ये अहकाम शुरू कब होते हैं। चलिए यहाँ बोलिए फिर, अब तर्जुमा ऐसा करिए जैसा यहाँ पर लफ्ज़ बलगना, बलगना का तर्जुमा पहले कीजिए, अजल हुन्ना का तर्जुमा बाद में कीजिए, फमसिकुहुन्ना का करिए, बीमारूफ का, फिर आऊ का, फिर सरी हुन्ना बीमारू। आर यू फॉलोइंग मी मुमताज? जी सर, हाँ, एक यही है कि बहुत पुराने तरीके से तर्जुमा करने के हम लोग आदी हो गए हैं, तो बिल्कुल रेल की दो पटरियों की तरह एक सीधी जा रही है, एक दूसरी मुनहानी है, टेढ़ी मेढ़ी। उस पर हमारी कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। अब आप जैसे कहा, मैं भी ये कहूँ कि बस रोक लो उनको मारो। अब ये बलगा होना है, फिर बलगा के मायने, बलगना के मायने मैं ले रहा हूँ, या फिर कांग है वो रोकने का लफ्ज कहाँ पर है। इज एवरी वन फॉलोइंग मी? जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आपकी कुरानिक वोकेबलरी बढ़े, धीरे धीरे आप तर्जुमे के मोहताज ना रहें,
आप खुद से कुरान को डायरेक्ट समझना वो एक अल्लाह सुबहानहु तआला की बड़ी नेमत है। अगर वो नेमत हमको मिल जाए तो फिर बीच में से आहिस्ता आहिस्ता जहाँ मुश्किल होगी ज़रूर सपोर्ट लेंगे, लेकिन जहाँ मुश्किल नहीं है उसके लिए अगर कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। कम ऑन, कैन यू डू इट नाउ मुमताज? फबलगना, फिर वो पहुंच जाएं। अब ये दोबारा इसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधा ऐसे ही तर्जुमा करिए जैसे आपने अरबी में पढ़ा था। अजला होना अपनी मुद्दत, अपनी यानी या इधर के उनकी? अपनी फाम या से उनकी? उनकी हाँ, तो ये बड़ा फर्क हो जा और रहा है ना, जी अपनी और उनकी में। हुन्ना जो उनकी है ये मोअन्नस की ज़मीर है, इसका इशारा किस तरफ जा रहा है? मुतल्लका की तरफ, जात के जौजा की तरफ नहीं बल्कि मुतल्लका की तरफ। मुतलक, अब तो ये फिर बालक नाम उनको है, ग्रामर के लिहाज से इसका पूरा तर्जुमा करिए, जैसा लफ्ज हो वैसी ना किसके लिए है। बाब हुर्फे अतफे बलगना वो पहुंच जाएं। औरतें कैसे कैसे निकाले आप वो पहुंच जाए? ये मानस का है ना सर, ये बलग आप बलगत सॉरी बलग मुझे आप बताए ना, बलगा बलगा बलगू बलगत बल बलगता बलगना, दैट मानस इज के द लिए कॉन्जुगेशन। वो जुमे की जी क्लास में छुट्टी भी इसीलिए दी गई है कि वी हैव टू नो इट अनलेस वी नो द कॉन्जुगेशन। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हर एक को करना पड़ेगा, उसी सूरत में मैंने समझ में आएंगे। एक थोड़ा सा उसको रिपीट हमको करना है। बलगा वो मर्द पहुंचा, बलगा वो दोनों मर्द पहुंचे, बलगू वो सारे मर्द पहुंचे, बलगत वो औरत पहुंची, बलगता वो दोनों औरतें पहुंची, बलगना जो है दिस इज द फेमिनाइन जेंडर थर्ड पर्सन प्लूरल, वो पहुंच जाए, वो पहुंच जाए, फिर कौन है? वही मुतल्लका। फिर उसके बाद अच्छा, एक लफ्ज है अजलहुन्ना। यहुन्ना भी औरतों की तरफ ही है, हाँ, और जब वो पहुंच जाए अपनी मुद्दत यानी इद्दत के दिनों को पूरी। पूरी कर लें। अब उसके बाद हुक्म आ रहे, चलिए अब यहाँ से अब आप आ रहे हैं राइट पे, वेरी गुड। हाँ, अमसिकु हुन्ना, तो फिर उनको हुन्ना वही औरतों की तरफ है, उनको रोक लो। रोक बीमारू फिर लेने से ज्यादा इसके मायने मसका के बताया था, टू टेक बैक। इम्साक जो है वो टू टेक बैक के मानों में आता है। मसका और इम्साक का फर्क बताया था, वापिस ले लेना। तो उनको फिर वापस ले लो। बी मारूफिन, दस्तूर के मुताबिक, मतलब ये कि जो उनका जो अहकामत है उसके मुतालिक, दस्तूर के बस जो मुतालिक। फिका में है कि तजदीद निकाह अगर है तो वैसे ही करके, जो मारूफ तरीक़ा है, जो अहादीस में है, जो फिका में है, उस तरीक़े से उनको वापस ले लो। आओ सर्री हुन्ना, आओ या फिर सर्री सर्री हुन्ना, सर्री टू सर्री हुन्ना, या फिर उनको छोड़ दो। ये दोनों अमर बीमार हैं। दोनों अमर हैं। बीमारूफिन वही दस्तूर के मुताबिक, अहकामात के मुताबिक। मारूफ तरीक़े से, मारूफ तरीक़ा वो जिसका जिक्र अहादीस में या फिका में है कि उसका क्या उनको देना है, किस तरह छोड़ना है, और फिर वो इद्दत की मुद्दत में नान नफ़के का इंतज़ाम करना है, कोई तकलीफ़ ना हो, हर तरह से ये सारे मायने। नाउ नाउ यू हैव कम ऑन द ट्रैक। चलिए बहुत अच्छी बात है, और एक टुकड़ा आपसे करा रहा हूँ, बिल्कुल ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे समझे उर्दू में, इसको सिर्फ तर्जुमा करिए। वला तुमसे को होना, और उनको मत रोको, कौन रुकावट मत डालो। कौन? हाँ नहीं, उनको औरतों को, जौजात को, कौन? उनके शौहर।
ये तुम सीखो हन्ना से, फिर इसका फाइल कौन है? तुमसे कोई हुन्ना क्या फाइल है? मर्द मर्द नहीं है, मर्द तुम, नहीं, तुम। हाँ, हाँ, और तुम मत रोको उनको। तुम। मैंने वो जो तलाक दिया वो हाँ, जो तलाक दिए वो मर्द मत रोको हुन्ना, उनको, हुन्ना हुन्ना क्या है कौन? फिर ये? फिर माने सही है, माने मोहनस सही मुतलक। अब इसमें क्या क्या मुतलक। चीजें आ गई? फेल, फाइल, मफूल। तुम रोको उनको, ला जाने से तुम नहीं नहीं, रोको उनको। फेले अमर, फेले नहीं है, मत रोको उनको। जिरारन, सताने से, तकलीफ देने से। लिता तदु, ताके तुम ज्यादती, लिता तदु ताके तुम ज्यादती करो, तकलीफ देने के लिए मत रोको उनको। लिता तदु, जैसे 229 में ये लफ्ज़ आया था कि तिल का हुदूद अल्लाही फला ता तदुहा, है ना? ता ता तदु तदु यानी ये अल्लाह के हुदूद हैं, इससे आगे मत बढ़ो। तो ता आगे तदु मत। अल्लाह के हुदूद के लिए आया। ये ज़रार के मैंने तकलीफ या फिर फिसाद, है ना? मस्जिद ज़रार भी एक मदीने में तामीर हुई थी जिसको ढा देने का सूरह तौबा में जिक्र है। तो वो फिसाद, फिसाद के लिए, तकलीफ देने के लिए या फिर उनको सताने के लिए, उनको मत नहीं रोको ताकि तुम हदों को पार कर दो। जो अल्लाह ने हदें, अल्लाह जो एक बेहतरीन फैमिली निज़ाम इस्लाम में दिया है, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर उस तरह से तुम उसमें फिसाद के लिए रोकोगे, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए रोकोगे, तो पकड़ में आओगे। ठीक है? तमसिकु नज़रारो लिता तदू, ये 29 में आ गया कि अल्लाह के हुदूद हैं, उसको क्रॉस मत करो। और वही चीज जब उसके रमजान के आयतों में आई थी, तिल का हुदूद लाही फला तकरीबु हाता, उसके करीब भी मत जाओ। अब यहाँ पर लिता तदु है ताकि तुम हुदूद को क्रॉस करो। जो भी हुदूद को क्रॉस करेगा वो अल्लाह सुबहानहु ताला का गुनाहगार होगा। दैट्स गुड। इसकी आदत डालो, आइंदा भी जरूर पढ़ो, लेकिन उसके लिए बिल्कुल कोई भी तर्जुमा अगर सामने भी है तो उसे मॉडिफाई कर लो। ये आर यू तर्जुमा फॉलोइंग? तो डू यू थिंक दैट दिस इज यूजफुल? यही हम माशाल्लाह। अगर यूजफुल समझते हैं तो फॉलो करो, नहीं समझते अरे हैं तो फिर अपने तरीके से समझो, मुझे मत सुनाइए वैसा दर्जन। नहीं, ओके ओके, चलिए कोई दूसरा वॉलंटियर करे इतना। मई अफल यहाँ से बगैर उसके तर्जुमे पढ़े के बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पढ़ूं? अरे वालेकुम सलाम, चलिए जल्दी। वमन यफअल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सुहु, और जो कोई ये करेगा, ज़ालिका ये तो यकीनन ज़लमा, वो जुल्म किया नफ्स नफ्सुहु उसकी उसकी जान पर। तो वो जुल्म किया यानी कि उसने जुल्म किया अपनी जान पर। बिल्कुल, बहुत अच्छे, यू आर राइट। वमन, फिर यहाँ पे वाव जो है, यहाँ पे वमन जो है ये इसमें इसमें शर्त आ रही है कि जिसने ऐसा किया। यफ़ल जो है ये फेल और फाइल है, फेलिया इस जुमला है जालिका यानी किसके कि लिए है? ऐसा करा, ऐसा ऐसा क्या है ये? ऐसा जिसने यहाँ पे है कि नुकसान के लिए रोका, ये यहाँ पर जिसने वो अकल लफ्ज वाला। है ज़रारन लिता तदु, हद से बढ़ने के लिए और फिसाद के लिए, ज़रार तकलीफ देना, फिसाद करना, हक के खिलाफ जाना, ये सारे मायने उसके निकलते हैं। तो जो ऐसा ऐसा किया मैंने, जो जो तकलीफ देने के लिए, फिसाद के लिए है, अपनी हद से बढ़ गया, वो जो ऐसा किया, ऐसा किया, उसकी बात यहाँ आ गई थी
इट हैज ए कनेक्शन विद दिस पार्ट, है ना, जालिका का इस तरफ इशारा है। तो फिर उसके बारे में अल्लाह सुबहान तआला ने फरमा दिया कि ज़लमा नफ्सहु। अब इसमें फेल क्या है, फाइल क्या है? ज़लम में फेल फाइल है, और वो जिसने ऐसा किया इसमें वो हुआ इसमें है, तो वो इसका फाइल है, और इसका मफ़ूल जो है वो आगे है नफ्सहु, कि उसने क्या किया, नफ्सहु नफ्सहु पूरा ही आई थिंक आएगा, अपनी जान पर जुल्म किया, तो तो ये ये इसका दोनों, मफ़ूल ये बन कंपाउंड जाएगा वर्ड है या एक वर्ड है? नफ्स हु सर, ये दो हैं नफ्स और हु को मिला के मुजाफ मदाफले हो जाएंगे। चलो, वेरी गुड, गुड, यू आर गुड। और एक करो। वला तत्तखिजु आयातिल्लाही हुजून, और नहीं तुम ठहराओ अखज करना यानी के बनाओ या नहीं उड़ाओ आयात, ठीक है, और नहीं तुम बनाओ आयात अल्लाही आयात अहकाम अल्लाह के हुजूवन मजाक, और अल्लाह के अहकाम का मजाक नहीं बनाओ, तो नहीं कहेंगे सर इसका अखज करना यानी कि, तर्जुमा तर्जुमा क्या कर रहे हैं बोलो फिर मुझे एक बार। और नहीं तुम बनाओ आयात अल्लाह अहकाम अल्लाह के मजाक, अल्लाह काम की आयतें, अल्लाह के अहकाम जो भी है, आयतुल्लाह ही, ठीक है। अभी अल्लाह इसमें तत्तखिज़ू में क्या है और आयतुल्लाह में क्या है? व्हाट इज आयतुल्लाह? जो फेले मदारे है इसमें फेल और फाइल है, और आयात जो है ये इसका मफूल है या पूरा खाली ही ले लेंगे, आयत है, खाली आयत है मफूल। सर पूरा ही ले लेंगे क्योंकि अहकाम अल्लाह के होंगे, खाली अहकाम के होंगे, तो ये क्या हो गया आयत अल्लाह ही? फिर आयात अल्लाह ही क्योंकि दो समय ये मुजाफ मजाफल है भी होगा, इसका क्या हो गया तत्तखिज़ू का? ये इसका मफूल भी ही हो गया, शाबाश। हुज़ूवन क्या है? और फिर हुज़ूवन है, ये भी इसका इस ये भी मफूल नंबर टू नहीं ही नहीं होगा, नहीं नहीं ठहराओ मजाक नहीं उड़ाओ मजाक, तो फिर इसका उसकी सिफत। सर एहकाम हुज़ूवन मज़ा, एहकाम अहकाम अल्लाह के अहकाम या आयत अल्लाह, अल्लाह की आयतों का मजाक मत बनो। मजाक नहीं बनाना क्या है, इसके कई तरीक़े हैं, मुफस्सरीन उसके ऊपर बहुत रोशनी डाले हैं कि बस कभी ये ज़माने कदीम में जहालत में यही होता था, कब जब चाहे तलाक दी, फिर जब चाहे रुजू कर लिया, ना आज़ाद करते थे ना साथ रखते थे। तो ये तलाक को मजाक बना लेना या उससे गलत फ़ायदा, ये तमाम अहकाम जितने कुरान में आए हैं उनके ऊपर भी ये फिट होता है कि किसी चीज़ को अल्लाह के जो अहकाम हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करना है, उसमें कोई मस्करापन नहीं हो सकता, उसको सीरियस लेना है। और जो भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक ख़ास टॉपिक में है तो ये काम कोई मजाक का नहीं है, इट्स ए सीरियस थिंग, सो यू शुड नॉट टेक इट एज ए जोक और एज ए ईजी थिंग। दैट्स गुड, यू आर डूइंग ए गुड जॉब। कोई और है आगे? सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो हुजूवन है ये जैसे हमने पहले तमीज के बारे में पढ़ा था कि बात अगर कंप्लीट नहीं हो रही और जबकि इस पे जबर भी है एंड में हो सकता कि नहीं तुम बनाओ क्या चीज करो आयतिल्लाह को क्या हो सकता है, अभी हम इनको इतना तमीज नहीं पढ़ा है तो सिफर तमीज नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है सर। ओके, देन नेक्स्ट हु इज गोइंग टू वॉलंटियर? ये हम करे नहीं थे लेकिन बहुत आसान है। वालेकुम सर, मैं ट्राई करती हूँ, चलिए जल्दी, जो भी वॉलंटियर करा एंड ही और शी विल बी वेरी प्रेशियस टू मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति याइज़ुकुम बिही। याइज़ुकुम, चलिए, याइज़ुकुम बिही,
और याद करो नेमत अल्लाही, नेमत अल्लाह की, अलैकुम तुम पर, वा और मा जो कुछ, अनजला नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी नाजिल किया या वो नाजिल किया सर, वो जो कुछ अनजला उसने नाजिल किया, उसने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब में से, वल हिकमती सर ये मिन जो है ये दोनों के लिए है, किताब में से और हिकमत में से, याइजु वल हिकमती, हाँ सर ये वल हिकमा जो है ये याइजुकुम से मिलेगा, अलैकुम वमा और जो कुछ, अनजला उसने नाजिल किया तुम पर, मिनल किताबी किताब में से, वल हिकमती और हिकमत से, याइजुकुम वो नसीहत करता है तुम सबको, यही साथ इसके यानी किताब के साथ, बिही इस बारे में, बिही इस बारे में, इस बारे में मैंने अबाउट दिस तलाक और ये इम्साक और तसरी के बारे में जो नसीहत की गई जिसमें दूसरे को तकलीफ ना हो, इट्स गुड। नाउ कम ऑन, कैन यू शो मी द कनेक्शन ऑफ वर्ड्स बिटवीन दीज आयत, वस्करु नेमतुल्लाह तक का क्या है, अलैकुम क्या है, जल्दी जल्दी, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। सर इसी के बारे में है कि अल्लाह ताला ने ये सारी जो गाइडलाइंस दी हैं, नहीं नहीं, कनेक्शन, कनेक्शन ऑफ वर्ड्स, कनेक्शन ऑफ वर्ड्स, जी सर, उज़्कुरू, जी सर, जी सर, उज़्कुरू जो है सर ये फेले अमर है और वाओ अलिफ जो है इसका थर्ड पर्सन प्लूरल फाइल है, ज़करा इसका रूट वर्ड है, ज़करा उसने जिक्र किया और ज़करू जब आ जाता है तो सर वो उन सब ने जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे ये फेले अमर है तो ये अज़कुरू है कि तुम सब याद करो, और इसमें और सर चूंकि अमर में जो ऑलवेज जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन होता है तो तुम सब याद करो, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत जो है ये मुदाफ मुदाफ अलैह है, और अज़कुरू का सर मफूल भी बनता है, वेरी गुड गुड, चलिए पूरा जुमला हो गया है ना, और तुम सब हमेशा याद रखो ये जो अल्लाह ने नेमत तुमको दी है, जो अहकाम खानदानी जिंदगी को बेहतर बनाने के अहकाम नाजिल कर दिए तुम्हारे लिए, ये एक अल्लाह की नेमत है, एंड इट शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, है ना, इसमें हुक्म है जो तमाम, अब वो ख़ास वक्त के लिए ख़ास वक्त पे यह आयत नाजिल हुई थी, जितने भी तफसीर भी राय करते हैं कोई ख़ास वाक़े का जिक्र भी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क़यामत तक के अहकाम हैं कि डू नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं किसी के लिए भी, हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, दीज आर द थिंग्स डेट वन हैज टू रिमेम्बर इट, है ना, अलैकुम, व्हाट इज द प्लेस, हाँ वेरी गुड सर, ये जार है मुतालिक है नेमतुल्लाह क्या है सर, ये मुदाफ मुदाफ ले है, ये हो गया, इसका ताल्लुक आगे कैसा जा रहा है, जी सर, सर वो चल रहा है वो अल्लाह की नेमत यानी के जो कुछ नाजिल किया कि अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया वो नेमत क्या है, ये जो कुछ क्या है, इसम मौसूल है ये, वो है लेकिन है यहाँ पर किसको रिफर कर रहा है, जी सर यहाँ पे ये रिफर कर रहा है किताब को या नेमत को, नेमत भी नेमतुल्लाह, नेमतुल्लाह ये नेमतें जो अल्लाह ने उसने नाजिल की है, अल्लाह ने नाजिल की है, अल्लाह ने, जी सर, अलैकुम तुम, जी जार मजरूर हो गया ये, मिनल किताबी और सर ये भी जार मजरूर बनता है किताब में से, बस किताब से, अब ये पूरी किताब में सैकड़ों अहकाम हैं जो अब तक आप पढ़ते आए हैं, हज के भी अहकाम हैं, वसीयत के भी अहकाम हैं, क़िसास के भी अहकाम हैं, ये सारे आप अहकाम का सिलसिला सूरह बकरा में पढ़ते आ रहे हैं, उनमें से मिनल किताब ही जो आया, मिनल किताब इस किताब में से, इस ताल्लुक़ से जो अहकाम दिए गए हैं, याद रखो उसको जो है
कहमत बनाओ मजाक का जरिया या मजाक में ऐसी चीज़ों को नहीं ले सकते। और फिर ये एक किताब एक है, उसके बाद वाओ है, हिकमत दूसरा है। सर ये वाओ उसको जो है मातूफ है किताब का, किताब किताब का मातूफ है, किताब है जो भी अल्लाह ने बातें नाजिल की हैं, ये हिकमत वाली बातें हैं, है ना। इसमें सिर्फ इंसानों का भला ही भला है। उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंट जुमला है, जी सर, या इज़ुकुम फेलिया जुमला बनेगा, और या इज़ु वो नसीहत करता है तुमको, तुम सबको सर, और ये फेल और फाइल हो गया, और बिही जो है ये जार मजरूर हो गया, मुतालिक फेल और फाइल, और क्या है कुम मफूल भी है। हाँ सब है इसके अंदर। दूसरे लोग सब समझ रहे हैं या जस्ट बहुत सर के ऊपर से जाने वाली कोई बात नहीं है। हम बस ये चाह रहे हैं कि कुरान का एक एक लफ्ज हमारी समझ में आए, है ना। वो नसीहत करता है तुमको, फेल फाइल मफूल पूरा हो गया, बिही जी सर, सर ये जार मजरूर बनेगा, मुतालिक याइज़ो, बस इससे इससे फिर मज़ीद इसको कहीं ले जाएंगे तो ये काम जो अल्लाह ने नाजिल किए हैं किताब में हिकमत से, इससे तुमको नसीहत करता है अल्लाह के किस तरह हाउ टू लीव ए पीसफुल डिसेंट फैमिली लाइफ। अब कोई दूसरा जल्दी से इसको कंप्लीट कर ले। हु वांट्स टू वॉलंटियर? और डरो अल्लाह से, वालमु और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्ली शयइन अलीम, जान लो कि अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, है ना। सारे लोग ये देखेंगे एग्जैक्टली शी इज ट्रांसलेटिंग, और अगर कोई और तर्जमा उठा के आप देखेंगे तो ये करस्पॉन्डेंस ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ उर्दू एंड अरबिक विल नॉट बी देयर। आप एक नया काम कर रहे हैं, बहुत कम किताबें कदीम तफासिर तर्जुमे ऐसे मिलेंगी जो है, लेकिन हमारे पास इस वक्त रफ्त भी आ रहा है और अल्फाज के मायने, अल्फाज की वोकैबरी यहाँ पर एग्जैक्टली उसने कहा, और डरो अल्लाह से, दैट्स वेरी गुड, और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर, हर कुल्ली हर चीज़ पे का यह चीज़ पर इल्म रखता है, अलीम है, जानने वाला है। दैट्स गुड, कम ऑन, कैन यू डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस आया? जी सर। वत्तकुल्ला, वह हर्फ अत है, पिछली आयत पिछले पार्ट से उसको जोड़ रहा है, और ये एक दो तीसरा हुक्म है, नहीं ये एक हुक्म यह था कि अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ और बिल्कुल उसी तरह काम करो जो कुरान में है, उसके बाद ये पूरा जुमला उस पे आता है, तो यहाँ तक एक टुकड़ा हो गया वत्तकुल्ला। चलो शाबाश। तो वत्तकुल्ला, अत्तकु फेले अमर है, इसका रूट वर्ड है वकिया, और इसमें इसके अंदर फेल है वकिया और फाइल है वो है जमा मुजक्कर। शाबाश। ये उन शोहरों को जो तलाक देने वाले हैं उनके लिए हुक्म है कि अल्लाह से डरो, और अल्लाह जो है वो अत्तकू का मफूल भी है। शाबाश शाबाश, पूरा जुमला, एक जुमला कंप्लीट है। देखिए एक एक आयत में कितने जुमले हैं, ये पूरा जुमला ये अमर है, है ना, वत्तकुल्ला और तुम डरो अल्लाह से। जो उसके बाद क्या हो गया, वह क्या हो गया, हर्फे अच चलिए हो गया, फिर तो उसके बाद कौन सा जुमला आ रहा है? ये भी जुमले फेलिया है, जुमले फेलिया अमरिया, अमरिया, शाबाश, वालम, फिर वही वालम जाने से, और यू अमर होने से उसका उसका जो फाइल है यू है ना, यहाँ पर भी वत्तखू में यू है। गुड, शाबाश, चलो वालम।
हरफे अत्फ है तो वत्तकुल्ला मातूफिले है और आलमू मातूफ से है। पूरा जुमला, ये पूरा जुमला वत्तकुल्ला पे मातूफ है पूरा जुमला। अब इसके एनालिसिस जब करेंगे तो फिर इसमें ये एक टुकड़ा बिल्कुल अलग हो गया। जी सर बोलो। तो वालमू आलमा इसका रूट वर्ड है, फेल और फाइल, फाइल फिर से मुजक्कर जमा। अन्ना अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अन्ना ये इन्ना का जुमला है, इसका इस्म अल्लाह है। पूरा टुकड़ा क्या होगा ऐसा, पूरा टुकड़ा वो आलमों से इसका क्या ताल्लुक है? मातूफ है सर। नहीं नहीं ये तो वा आ गया, वा आलमू मातूफ हो गया व तखू पे। अन्ना अल्लाह वा आलमू से इसका क्या ताल्लुक है? पूरा ये पूरा स्लॉट इसका मफूल भी है। शाबाश शाबाश वेरी गुड, जियो जियो जियो, ये बिल्कुल इसका मफूल हो गया। अब ये मफूल के ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है तो अब ये किस किस्म का जुमला है? ये इन्ना का जुमला है, शाबाश अल्लाह इसका इस्म, इसमें वेरी गुड। हाँ और बिकुल्ली शयन अलीम ये पूरी अल्लाह की खबर है, वेरी गुड, हर चीज जानने वाला, हर चीज का इल्म रखने वाला है, उसको हर चीज का इल्म है। तुम जो भी कर रहे हो उससे ये मत समझो कि इस दुनिया में तो किसी को धोखा दे दिया, किसी और नियत से कोई काम किया, वो अल्लाह सुबहानहु तआला आलिम सुदूर है, नियतों को भी जानते हैं। सी हाउ इन डिटेल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आया। और ये पूरा कुरान से ये सब कुछ जिंदा रहने की ज़रूरत नहीं है ऐसा पढ़ाने की, ये एक बुनियाद डाल रहा हूँ मैं। और अब सबको अल्लाह तौफीक दे के इसी तरह से धीरे धीरे कोशिश करें तो कुरान का फहम और उसकी वोकेबलरी बहुत आसान होते जाए। यही है कि शुरू में थोड़ी शायद लोगों को दिलचस्पी ना हो, उसमें ग्रामर भी आ जा रही है और मीनिंग कैसे आ रहे हैं। बहरहाल इस तरीक़े से किसी को अगर कोई इख्तलाफ है तो बता दें ताकि मैं उसे तर्जुमा ही ना कराऊँ, अपने तौर पे अपनी काम करें। मैं समझता हूँ कि इट्स यूजफुल। एनी क्वेश्चन ऑन दिस, ऑन दिस आया, बिकॉज वी हैव टू मूव टू 2:30 नाउ। कोई क्वेश्चन, कोई इसमें मसले के बारे में क्या है? बिल्कुल क्लियर है जो दो आयतें 29-31। सर अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें वस्कुरु नेमत अल्लाही जो है वो नेमत जो अल्लाह ताला ने जितनी भी मतलब इंसानों को नेमतें दी हैं उसका जिक्र है या ये इस आयत में किसी खास नेमत का जिक्र है? बस ये यहाँ पर जो फैमिली लाइफ के रूल्स हैं, अब इसको एकदम उठा के किसी भी जगह यकीनन मायने तो वो अगर जितना वसी करेंगे कलाम के मानों को उतने निकलेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में एक ख़ास उनवान से के बारे में बात हो रही है और वो है इस फैमिली लाइफ, हाउ टू लीव ए पीसफुल लाइफ ताकि जनरेशंस तक उसका असर पड़ता है, जनरेशंस तक। सो ये अल्लाह की नेमत है कि जहालत में जो कुछ करते थे वो ख़त्म हो गया, अब जो अल्लाह ने इम्साक और तसरीह के जो कानून बता दिए हैं यही रहेंगे दुनिया के कायम रहने तक, क़यामत तक। सो स्पेशली वी विल टेक इट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। अब उसको फैलाएंगे तो अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट आयत आप लेते हैं तो हर मामले में जिसके अल्लाह ने कवानीन बना दिए हैं वो सारे जो है वो हिकमत वाले हैं और फिर उस टॉपिक से वो कानून है, हज का कानून है, इबादतों का कानून है और खसास का कानून है, जितने आप पढ़े हैं अब तक 176 से आप यही पढ़ते आ रहे हैं पूरे कवानीन सूरह बकरा। इज योर डाउट क्लियर? यस सर, जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह। एनीवन एनी क्वेश्चन? वन बिकॉज आई एम मूविंग टू 2:30 नाउ, आई हैव टू फिनिश दैट इंशाल्लाह। डॉक्टर अब्बासी इज इट क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, हर चीज समझ आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वी विल मूव टू 2:30 नाउ। चलिए
वो बीच में इसको छोड़े थे और ये दो तलाक का जिक्र तलाक रजई का चल रहा था, अब उसके बाद ये कानून है कि अगर तीन हो जाएं तो इसमें बहुत बहस बहुत तफसील से उल्मा मुफस्सरीन फकी हजरात ने इसके ऊपर बहुत 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 काम किया है। शायद ये एक अहम तरीन आयतों में से है। चलिए, इज देयर एनीवन हु वॉलंटियर टू रीड दिस आया? वालेकुम सर, मैं नजीबा पढ़ना चाहती हूँ। चलिए सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. कहाँ हैं, किधर हैं? طلقتم النساء का 230 पढ़ रहे हैं, कुरान में देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं। टू थर्टी, एक आयत पीछे गए हम 31 से। अच्छा, فإن طلقوها कौन सी आयत है सर? ये 230 230 229 और 231 हम कर लिए थे, 229 उसके बाद हम छलांग लगा के 231 करे थे, बिकॉज देयर टॉपिक वॉज द सेम, इमसाक या तसरी। 229 में तसरी था, 221 में इमसाक था। अब वो होने के बाद ये तीसरी सूरत है जिसको बहुत तफसील से एक ही आयत में बयान किया गया है, उसके बाद 32 के बाद भी आएंगी। 230 नहीं मिल रहा है आपको? आप कुरान से देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, या स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है आपको? स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन पर पढ़ो ना आप। بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن پھر اگر طلقها اوت کے ترجمے میں کئی کو ایپ صرف ریڈنگ کر رہے ہیں سو ना इतना तर्जुमा नहीं कर रहे थे तो इन आप इतना करना चाह रहे हैं, फ़ैन तल्लखा इतना तर्जुमा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले या तो पूरी आयत पढ़िए या रोक दीजिए हैं, और इसमें कितने पार्ट हैं बताइए। अच्छा, यू वांट टू डू अप टू दिस पॉइंट? चलिए, सो व्हाट आर द पार्ट्स? इसके पार्ट जब तक नहीं करेंगे कितने किस्म के जुमले हैं क्या मायने सही सामने निकल के नहीं आएंगे। فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ तो सर इसका तर्जुमा फ़ाइन फिर इन अगर ये शर्तिया जुमला है पहले या तो सिर्फ तर्जुमा करो कैसा जुमला है क्या नहीं करना है तो सिर्फ इसका तर्जुमा करिए जैसी आयत है। फाइन फिर अगर तल्लखा उसने उसको तल्लाक दी फला तहिल्लु तो नहीं वो हलाल है उसके लिए लहू उसके लिए मिन बादु इसके बाद यानी तलाक के बाद हत्ता यहाँ तक के तन की है जौजन वो निकाह करे किसी जौजन किसी खाविन से गैर रहू उसके अलावा फइन बस बस बस, बस 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 यहाँ तक। चलिए, अब इसके पार्ट्स क्या हैं, अब इसके यहाँ बात करेंगे हम, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस पार्ट? आपने इतना किया, पहला पार्ट का खत्म होगा यहीं पर, जामे पड़ी गए रहू के पास। अच्छा, तल्लखा फइन तल्लखा उसके बाद ये दूसरा पार्ट है जी, मिम्बादी भी आप ले सकते हैं, उसके बाद ये पूरा एक है। ये दीज आर द पार्ट्स दैट वी हैव टू स्टडी। ओके, सो
नाउ व्हाट इज इन इन हर्फ है अगर फिर अगर तल्लका उसने उसको तलाक दी तल्लका पास्ट तल्लका उसको हा जो है मफूल है फाइन शर्तिया जुमला है तल्लका के माने उसको है हा की जमीर उसको यानी उसकी बीवी को उस खाविन ने उसे तलाक दे दी तीसरी तलाक तलाक बाइन फला तहिलो तो नहीं है वो हलाल के लहू उसके लिए तल्लक फाइल है साहब फेल फाइल है फेल फाइल मफूल है ना ये तल्लक फला तहिलु और नहीं है वो उसके लिए हलाल लहू उसके लिए मिम्बादी उसके बाद यानी तलाक के बाद तलाक तीसरी तलाक देने दे देने के बाद उसके लिए यानी शोहर के लिए ये बात हलाल नहीं है कि आप समझा रहे हैं या तर्जुमा कर रहे हैं मैं बोला सिंपल तर्जुमा एज पर वर्ड फॉर वर्ड कर दीजिए उसके बाद एक एक पार्ट के ऊपर हम जो दूसरी तफसीर है वो हम बाद में जिक्र करें आपका काम यह था कि बजाय ऐसा करने के आप ये कहते अगर वो तलाक दे दे उसको पास नहीं वो औरत हलाल है उसके लिए इसके बाद यहाँ तक के वो औरत निकाह कर ले मर्द से उसके अलावा दैट इज व्हाट आई वांटेड यू टू डू बट इंस्टेड ऑफ दैट अब सारी चीज़ें गुड मिट कर दे रहे हैं तफसीर भी बयान कर दे रहे हैं वो औरत क्या करिए ऐसा नहीं मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका उर्दू और ये अरबी किस तरह से करस्पॉन्ड हो रहे हैं यू मे हैव एनी ट्रांसलेशन बिफोर यू दिस विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर कुरानिक वोकैबुलरी ऐसा नहीं कि जहन कहीं और है और हम एक तर्जुमा कर रहे हैं उसका एक अब म्यूट करिए अपने आप को डॉक्टर अब्बासी इतना हिस्से में मौलाना मौदूदी ने कैसे तर्जुमा किया है प्लीज विल यू रीड इट फिर अगर तलाक दे दी और ब्रैकेट में लिखा है दो बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी फिर अगर तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी इल्ला के इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो उसे तलाक दे दे देखिए ये भी एक बामावरा तर्जुमा है ये तर्जुमा आप ज़रूर सामने रखिए लेकिन इसके अंदर कौन सा अरबी का वर्ड किस उर्दू के वर्ड से टैली हो रहा है अगर हम दो सेकंड के लिए दो मिनट के लिए गौर करें तो हमारे समझ में भी आएगा और फिर जो अरबी लफ्ज़ है उसका इक्वल उर्दू वर्ड भी समझ में आएगा या उर्दू वर्ड से अरबी का वर्ड समझ में आएगा ऐसा कुछ दिन तक प्रैक्टिस करने से हमारी कुरानी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह अब डॉक्टर अब्बासी उसी को सामने रखें आप इतने टुकड़े का बिल्कुल जैसा यहाँ लिखा हुआ है आप ज़रूर कर सकेंगे मैं इंशाल्लाह उम्मीद आपसे होप कर रहा हूँ कैन यू डू इट अब जो कुछ आपने पढ़ा उससे अलावा यहाँ कैसा लिखा है वैसा फाइन तलाक कहा तल्लका नहीं और अब भी छोड़ दीजिए ऐसे ही अब आपके क्या समझ में आ रहा है वो तर्जुमा भी आपके सामने है उसके लिहाज से अगर फिर अगर तलाक दे दे और आगे बस यहीं तक उसको हाँ तलाक दे उसको हा के जमीर किसके लिए है औरत के लिए औरत बीवी ये तल्लका का सब्जेक्ट कौन है वो औरत सब्जेक्ट औरत नहीं 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 तलाक देने वाला कौन है मर्द वो मर्द वो मर्द अपनी जौजा को अगर तलाक दे दे अब ये तलाक दे दे खुद ही मायने निकल रहे हैं कि इसके अंदर तीन के बाद का जिक्र है दो तक के काम 29 30 31 में आ गए थे
जी फेल फाइल और मफूल तीनों आ गए इसमें भी। चलिए अब खाली माने करिए, फला तहिल्लु लहू, फहिल तला लहू, तो वो औरत, नहीं नहीं ये आपका तर्जुमा ला के माने पहले करिए, तहिल्लु के माने बाद में करिए, लहू उसके लिए, हु की जमीर उस मर्द के लिए जिसने तलाक दी है, उस मर्द के लिए लहू की जमीर है। वेरी गुड, अब फिर तर्जमा क्या होगा? ला नहीं, नहीं हलाल, नहीं हलाल, हाँ हलाल। अब ये तहिल्लु है, देखिए इसका रूट वर्ड क्या है, हलाल होना, जायज होना, जी परमिसेबल होना। अब उसके बाद अगर आप इसका वो कॉन्जुगेशन करें तो मर्द के लिए हल्ला हल्ला हल्लू है ना, फिर हल्लत हल्लता। अब उसके बाद ये ते जब आ गया तो फिर ये क्या हो गया, ये मुजारे हो, मुजारे हो गया। मुजारे में तहिल्लु में जब हम करेंगे तो क्या होगा, यहिल्लु यहुल्लानी यहिल्लूना। और फिर उसके बाद थर्ड पर्सन में जो उसका मौनस का प्लूरल और ड्यूअल होता है वो, और सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल एक होता है। तहिल्लु के अंदर कौन है, तहिल्लु के अंदर सब्जेक्ट कौन है, वो औरत। ते आ गया तो फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो औरत, वो मतलब थर्ड नहीं, वो औरत हलाल है, लहू उसके लिए, उस मर्द के लिए जो उसको तीन बार तलाक दे दिया। तो इट्स ए डिफरेंट कानून है ना, ये दो में इमसाक और तसरी का बयान था, लेकिन 230 में ये बिल्कुल एक अलग कानून है। तलाक बाइन का जिक्र है, तलाक बाइन का जिक्र है, अगर कोई तीन तलाक दे दे। अब इसमें देखिए बहुत ही सख्त कानून है और अल्लाह सुबहानहू ताला ने इसको एक सज़ा के तौर पे भी रखा है कि इंसान की गैरत भी कोई चीज़ होती है, उसको कम से कम उसके लिए बहुत सोच समझ के इकदाम उठाना है कि उसकी बीवी किसी और से निकाह कर ले, और उसके बाद फिर वो सारी तफसील आएगी। तो दैट इज उसके लिए बहुत खास किस्म का मसला है जी। हत्ता तन के हा जौजन गैरा, जब तक निकाह करे औरत किसी गैर से। या औरत कैसे निकाले आप, औरत बीवी, बीवी कर गैर से, जौजा जौजन। चलिए थोड़ा सा आप म्यूट कर लीजिए डॉक्टर अब्बासी। तन कि हा, तन की हा, ये क्या वर्ड है अंसार, कैन यू डू इट, व्हाट इज दिस वर्ड, तन की हा, तन की हा। वालेकुम सलाम, हाउ कैन यू ड्राइव द मीनिंग, न कहा न कहू ये फिर नहीं, कहू नहीं, नहीं अभी तो तीन छह पूरे करो। न कहा न कहू न कहता न कहना। वेरी गुड, ये हो गया नकाह का माजी, नकाह का माजी हो गया, ठीक है जी। न कहा ये सलासी मुजर्रद शरी, इसके छह गर्दन आप कर दिए, डैश गुड। न कहा न कहा न कहू न कहत न कहता न कह न कहना, ये हो गया। अब इसका आप मुजारे छह करिए, यन कहू यन कहानी यन कहू ना, तन कहू तन कहानी यन कहना, यन कहना। अब ये जो तन कहा आया, ये थर्ड पर्सन का जो फेमिनाइन है, थर्ड पर्सन का फेमिनाइन सिंगुलर और ड्यूअल, सिंगुलर और ड्यूअल,
ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे सेकंड पर्सन का सिंगुलर डुअल होता है। जी, लेकिन यहाँ पर चूंकि औरत का जिक्र हो रहा है, जौजन आ रहा है, तो ये मर्द के लिए, शौहर के लिए आता है, तो यकीनन ये तनकाहा क्या होगा, दिस विल बी द मुजारे ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर, है ना, तन कहा। तो अब इसके तर्जमा क्या होगा, वो औरत निका, हत्ता यहाँ तक आगे चलो। हाँ, तन कहा, ये तहिल्लु तन कहा, बिल्कुल उसी तरह से वो जो गर्दान करे थे वो ऐसे ही काम आने वाली है। जी, वो और क्या करे जौजन मर्द से, गैरहू गैर उससे, मतलब उसके शोहर से जो गैर हो उससे निकाह करे। क्या बात, उसके शोहर से जो गैर हो, गैर मर्द मतलब उसके अलावा। हाँ, अलावा उसके कोई और गैर से या कोई दूसरे शोहर से जब तक निकाह ना कर ले। जी, अब यहाँ पर देखिए, ये अब यहाँ तक क्या हुआ, ये इन शर्तिया हरफे शर्तिया हो गया, तल्लखा में क्या क्या हो गया, फेल फाइल और था तल्लखा में फेल फाइल मफूल हो गया। चलिए, ये एक सिर्फ शर्त हो गई, अगर वो उसको तल्लक, अब ये तल्लक में तीन तल्लक शामिल हो गए, तीन बार उसको तल्लक दे दिया, तो अब और कोई सूरत नहीं है किसकी, इम्साक की, वो औरत छुट गई। अब यहाँ पर अल्लाह ने हुक्म सादिर फरमा दिया, ला तहिल्लु, ला तहिल्लु, देन शी इज नॉट हलाल। जी, लहू उसके लिए, यहू कौन है, वो जो तल्लक दिया, मिम्बादी, मिम्बादू इसके बाद, माने इसके बाद क्या माने क्या है, आफ्टर सेइंग थ्री टाइम्स, तीन तलाक के बाद, कब तक हलाल नहीं है, एक कंडीशन जो पूरी नहीं हो रही, कब तक हलाल नहीं है, एक पीरियड बता दिया, वो निकाह करे दूसरे मर्द तक, है ना, ये मफूल फी ही कल आएगा, यहाँ तक वो औरत निकाह करे जौजन, माने मर्द से या शौहर से, गैरहू उसके अलावा किसी मर्द से, वो औरत निकाह करे यहाँ तक, इधर से ले जाओ, इधर से ले जाओ, एक एक लफ्ज के मायने हम कहीं भी तर्जुमे से पढ़ो, लेकिन यहाँ तक वो औरत निकाह करे मर्द से या आदमी से, गैरहू उसके अलावा, उसके अलावा, तो वो फिर फाइन, अब क्या निकाह करते ही तहल्लु हो जाएगी, ये तो एक इनकम्प्लीट बात है, ये एक इनकम्प्लीट बात है। अब उसके बाद अगर वो हलाल होगी तो उसका जिक्र यहाँ पर है। जी, फाइन पस जब लखाहा वो तलाक दे उसको, यानी उस औरत को, फला पस नहीं, वो कौन है इसका, वो कौन है इसका, वो मतलब ये जो जौजन गैरहू है वो वाला, वो है, शाबाश। यहाँ पर देखिए कैसे फाइल बदल रहे हैं, है ना, तल्लखा है ये पहले वाला शौहर है, अगर वो तल्लक दे उस औरत को तो फिर वो उसके लिए हराम हो गई, हत्ता कि वो दूसरे मर्द से शादी न कर ले या उससे निकाह न कर ले। उसके बाद फिर यहाँ पर जो आया, अब इसका सब्जेक्ट वो है, इसका सब्जेक्ट भी वो है, लेकिन ये वो है जो उसका पहले वाला शौहर है जिसके लिए वो हराम हो गई, अब ये वो फिर यहाँ पर कौन है, वो जिससे दोबारा निकाह की। आर यू फॉलोइंग, टू फाइंड आउट दिस सब्जेक्ट्स एंड द प्रोनाउंस इज वेरी इम्पोर्टेंट इन कुरान, इन अंडरस्टैंडिंग कुरान। हालांकि एक ही लफ्ज़ है तल्लखा, तल्लखा, इसका सब्जेक्ट कुछ और है, इसका सब्जेक्ट कुछ और, कोई और है, इसका सब्जेक्ट कौन है, वो शख्स, इसका जो जो पहला शख्स है, पहला शौहर, इसका सब्जेक्ट ये जो दूसरा शौहर है, हाँ, दूसरा शौहर। चलिए, फिर ये इनके है शर्तिया है, ये दूसरा शौहर। अब हम तर्जुमा करते वक्त
अगर दूसरा शौहर तलाक दे उस औरत को, उस औरत को फला पस नहीं, वजात नहीं होगी, ये तर्जुमा भी मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ पर उसका शौहर तलाक दे उसको, पस नहीं वो हलाल होगी उसके लिए, ठीक है, यहाँ तक कि वो औरत निकाह कर ले मर्द से उसके अलावा। आर यू फॉलोइंग द ट्रांसलेशन आंसर? जी जी हाँ। चलिए अब उसके बाद इन तल्लका तर्जुमे में वो दूसरा शौहर वो तलाक दे हाँ मोनस औरत के लिए उस औरत को, फला गुनाह पस नहीं गुनाह अलैहिमा उन दोनों पर, अन के यतराजा दोनों रुजू हो जाएं इन के अगरचे जन्ना महसूस करें अन युखीमा हुदूद अल्लाही के वो दोनों के गुमान करें, गुमान करना ख्याल करना, गुमान गुमान के वो दोनों कायम रखें अल्लाह के हुदूद। वेरी गुड, बहुत जी, बहुत तिलका में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इससे क्या फायदा हो रहा है, डू यू रिकॉग्नाइज इट? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए अब इसको तो इसके एनालिसिस यहाँ से यहाँ तक करिए जल्दी से। अब तो तर्जुमा कर दिया, बिल्कुल सही करा। यस कम ऑन, ये हर्फ शर्त हो गया, फिर कंटिन्यूस कंटिन्यू फॉर इन और जब तल्लखा वो जो है ये फेल फाइल मफूल फला जुनाहा पस नहीं ये गुना। क्या थोड़ा है, ये क्या शर्त है, तो ये क्या है? जवाब शर्त है, जवाब शर्त, ये जवाब शर्त है, जवाब शर्त है। अभी किस पे गुना नहीं है? उन दोनों पे डुअल का है ये। अच्छा, अभी ये दोनों का जिक्र क्यों आया, उस शौहर पे गुना नहीं है क्यों, ये दोनों का जिक्र क्यों आया? क्योंकि अब ये दोनों फिर निकाह करेंगे ना। नहीं, उसमें देखिए थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट्स होते, आप इससे पहले के आयत में पढ़े थे कि वापस लेने का मर्द को ज़रूर है, लेकिन औरत अगर जान छुड़ाने के लिए कुछ फिदिया दे देती है, उसके दिए हुए में से कुछ या सारे का सारा माफ़ कर देती है, तो फिर वो खुला कहलाएगा और वो उसकी तरफ रुजू नहीं होगी। लेकिन यहाँ दोनों का लफ्ज़ आया, एक एक लफ्ज़ कुरान का इतना जचा तुला है कि उसके अंदर मानों से भरपूर। अब यहाँ पर दोनों की मर्जी ज़रूरी है, कोई एक नहीं कि वो निकाह करते ही फिर ये उसको वापस लेगा। लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसा कलाम नाजिल फरमाया है जिसका एक एक लफ्ज़ जो है वो उसकी जगह पूरा फिट है, यानी यहाँ पर उस वो मर्द चाहे वापस ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। जुनाह अलैहिमा दोनों अगर राजी हैं, वो औरत भी राजी है अपने पुराने शौहर के पास जाने, पुराना शौहर भी राजी है उसको अपने पास वापस लेने, तो इसीलिए अलैहिमा है, दोनों की ये रजा ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए फिर शर्त रखी, फिर शर्त रखी, पहले तो ये है कि अलैहिमा इट्स वेरी इम्पोर्टेंट नॉट ओनली ये, तो वरना फिर वही मजाक वाली बात हो जाती, पूरा हक शौहर का था, दूसरा मर गया या तलाक दे दिया तो फिर फौरी इसको रुजू कर लिया। नहीं नहीं, दोनों की मर्जी, दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं है। फिर उसके बाद वो ये, अब आ रहा हूँ, अब ये फिर हर्फे शर्त के साथ आ रहा के अन यतराजा वो दोनों रुजू कर लें। वेरी गुड, मतलब दोनों दोनों का ये है? जो ये जो आयन पे अलीफ है आखिर में यता, ये रजा रजा रजऊ, वैसे ही जो है तरजा तरजा तरजऊ, है ना, ये दोनों के लिए आया कि वो दोनों एक दूसरे को कबूल करने तैयार हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ लौटने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई अल्लाह सुबहान तआला ने फिर नाइंसाफ़ी कहीं नहीं की, एक एक लफ्ज़ के अंदर एक पूरा जैसे कानूनी डिक्शनरी होती है, यहाँ पर उस शौहर को हक़ नहीं दे रहे हैं। फला जुनाह अलैहिमा,
उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं है या कोई ख़राब बात नहीं है। फिर शर्त आ रही है कि वो दोनों चाहते हैं यतरजा कि वो दोनों लौटना चाहते हैं, शौहर पुराना शौहर भी और ये दूसरी मर्तबा मुतल्लका या विडो उसकी तरफ, दोनों की अगर मर्जी है एक शर्त, दूसरी शर्त उस पे और एक शर्त फिर इनसे हो रही है। फिर इन अगर के अगर के जन्ना वो दोनों, हाँ फिर ये अलिफ आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलिफ आने से फिर दोनों की तरफ ये है। अगर वो गुमान करते हैं युखी माँ, फिर अलिफ आया। देखिए कितना प्यारे अहकाम है अल्लाह सुबहान तआला के कलाम में, कैसी पुख्तगी है कि यहाँ पर यह नहीं कहा कि वो आदमी जो तलाक दिया था वो मुतल्लका हो जाए या बेवा हो जाए तो फिर उसको रुजू कर लेने का उसको हक है, हरगिज़ नहीं। बल्कि अल्लाह ने ऐसे अल्फाज कुरान में सेलेक्ट किए हैं कि दोनों राज़ी हों एक दूसरे को कबूल करने के लिए, एक दूसरे की तरफ लौटने के लिए। और अगर दोनों गुमान करते हैं कि वो दोनों कायम रख सकेंगे हुदूद अल्लाह, चलो अभी से पूरा एक बार तर्जुमा करो मुझे, जन्ना अन युकीमा हुदूद अल्लाह, फिर ये शर्त है कि अल्लाह के हुदूद को जो अल्लाह ने फैमिली लाइफ के लिए हुदूद बनाए हैं कि फिर कोई फसाद नहीं होगा, ऐसा अगर दोनों समझते हैं तो दे कैन रिटर्न टू ईच अदर। ऐसे ही बिल्कुल एक एक लफ्ज़ का जैसा मैं किया ऐसा फिर यहाँ से तर्जुमा करूँ, कहाँ से करूँ? इन्ना तल्लखा व इन तल्लखा, पस अगर तल्लखा वो मर्द जो निकाह किया वो तलाक दे उस औरत को, फला पस नहीं जुनाहा गुनाह अलैहिमा उन दोनों पर, अन के यतराजा और वो दोनों रुजू होना चाहें, इन जन्ना और वो दोनों अगरचे वो दोनों अगरचे गुमान रखते हैं, जन्ना गुमान रखते हैं, युखी मा वो दोनों कायम रखें हुदूद अल्लाही अल्लाह के हुदूद। वेरी गुड वेरी गुड। आर यू फॉलोइंग? दिस इज द वे हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू अंडरस्टैंड। चलिए उसके बाद का जुमला बिल्कुल आसान है, वो कोई एनीवन हु कैन डू इट, जल्दी जल्दी लास्ट कर देके जाएंगे। अभी 3-4 मिनट में, 5 मिनट लेट शुरू करा था, आई विल लीव क्लास एट एग्जैक्ट 8:20। मुतिलका कोई नहीं कर रहा तो मैं कर दूं। चल 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 कर। मुतिलका हुदूदुल्लाह लाही युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, और ये हुदूद हैं अल्लाह की, वो बयान करता है खोल कर उसको, लिक़ौमिन लिए कौम के जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं, जो जानते रखना है या जो जानते हैं, जिनको ये अहकाम समझ में आ। वेरी गुड। एंड व्हाट आर द एनालिसिस? इसमें इशारा हो गया ये उन इन सारी ये हुदूद अल्लाह के लिए आ रहा है, तो ये इशारा ये सब मिला के तो ये मुब्तदा हो गया। शाबाश, मुब्तदा हो गया। और उसकी खबर क्या है? साफ मज़ाफ़ इलैह हो गया, और उसकी पूरी खबर है कि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, और फिर जो खबर है उसको खोलेंगे तो फिर वो फेल और फाइल और मफूल हो जाएगा, वो खोल के बयान करता है। फाइल कौन है? फाइल कौन है? फाइल जल्दी अल्लाह है, और फेल क्या 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 फाइल कौन है? युबय्यिनुहा वो बयान करता है। फाइल कौन है? वो अल्लाह। अल्लाह फिर शाबाश, पहले हाँ बोले थे सर? नहीं नहीं, हाँ तो मफूल है, हुदूद अल्लाह के लिए आया। वो कौन है? वो यहाँ पर अल्लाह है, अल्लाह बयान करता है। हाँ के ज़मीर किधर जा रही है? हुदूद अल्लाह की तरफ। ये हुदूद है अल्लाह के, दोनों का राजी होना ज़रूरी वगैरह वगैरह, ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद है जिनको वो
बयान करता है खोल के वाज़े तौर पर, किसके लिए? लिखौमी यालमून, तो खौमिन जो है उसका ये भी सर ये हो जाएगा जार मजरूर लिखौमिन, उसके लिए कौन सी खौम के लिए, यालमून जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं, जो कुरान पढ़े हुए हैं, जो मालूमात रखते हैं, जो आलिम हैं या फिर जो फकी हैं, जो थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं, जानने वालों के लिए ये तमाम काम तक्वा रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए। बिल्कुल, इस दिस आयत के लिए इसको एक बार देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो दो मिनट के लिए इसका रिवीजन करके वी विल मूव टू 232। ये वाज इट इंटरेस्टिंग और समथिंग बोरिंग वेरी डिफिकल्ट? सर आज जाके मुझे ये आयत समझ आई है कि मैं हमेशा समझती थी कि जो दूसरे पार्ट में फाइन तल्लका हा जो है वो कौन है जो तलाक, तो अब समझ आए कि जौजन गैरहू यानी जो सेकंड हस्बैंड है जब वो तलाक दे दे तो इन दोनों पे गुनाह नहीं। आज जाके मुझे ये आयत समझ में आई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान का यही है कि जब पढ़ते जाओ नई नई आयतें नई नई बातें समझ में आती हैं। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या मुखल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व किताबिका, या अल्लाह हमारे लिए आपका कलाम पढ़ना समझना अमल करना दूसरों तक पहुंचाना आसान फरमा दीजिए, इस काम को कबूल फरमाइए, इसकी बरकतों से हमको नवाज दीजिए। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته